टैलेंटेड सर के साथ में जहाँ मैं खड़ा हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ। उनकी सारी पेंटिंग्स को देखकर ये इतना कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट आई हैव सीन इन इंडिया। जब अनुषा ने मुझे इनकी सारी तस्वीरें भेजे और कहा कि इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करना है, तो तुरंत मैंने देख के मैंने हाँ बोला, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स बहुत ही अच्छी है, फैंटास्टिक पेंटिंग्स। द आर्टिस्ट इज़ आउटस्टैंडिंग। मिस्टर जगन्नाथ पॉल, आउटस्टैंडिंग। थैंक फॉर कमिंग। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे सर, ये आपका दिन है। थैंक्स फॉर कमिंग ऑल माई गेस्ट एंड प्लेजर एंड विदाउट अनुष्का जी दे ऑर्गेनाइज इट वेरी गुड एंड इट्स थैंक यू वेरी मच। सुपर। प्लीज़ आप देख लीजिए, ये तो बहुत फैंटास्टिक आर्ट है, आउटस्टैंडिंग आर्ट। मुझे लगता है कि वॉचिंग अनदर आर्टिस्ट मेरे जैसे ही है, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, वो आर्ट कर रहा है, इट्स ऑल एन आर्ट वर्ल्ड। लेकिन जगन्नाथ की जो मैं पेंटिंग्स देख रहा हूँ, एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट मिल रहा है कि हर वक्त एक साइड उसके फेस फ्लैट है, एक साइड टोटली कॉम्प्लिकेटेड है, सुपर इम्पोज्ड है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके पीछे इतने लेयर्स है, जैसे मैं म्यूज़िक बनाता हूँ कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक, वैसे ही मुझे दिख रहा है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। एंड आई थिंक इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड बट ही इज़ मेकिंग इट लुक सो सिंपल। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। Something about the way you smile, you may never know the reason why. Sunny the magamagar is high. Something about the way you smile, you may never know the reason why. Sunny the magamagar is high. Patrik ji, कैसा लग रहा है जगन्नाथ पॉल का एक्सपीरियंस? Good evening. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। I have been a fan of Jagannath's work from the beginning, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंटिंग मैंने पहले देखे थे उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। आई थिंक ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे, और अभी तो इतना यंग है, इतना इम्प्रूवमेंट है, तो आगे चल के आई एम श्योर ही बी वन ऑफ द वेरी बिग रिकग्नाइज आर्टिस्ट। अभी भी वैसे उनका स्टाइल बहुत टिपिकल है, बहुत परफेक्ट है, बहुत ईजिली रिकग्नाइजेबल है। मैं उनको बोल रहा था उनका सिग्नेचर नहीं रहेगा तो भी आई कैन से इट इज़ हिज वर्क। So I'm very happy to be here and I'm honored to be here as part of one of his guests and thank you very much for inviting me. Thank you Patrik ji, aane ke liye aap bahut dhanyawad. Thank you. Aap aaye to liye bahut acha laga. May you go from strength to strength and keep improving and hold more and more shows and keep inviting us small people. Thank you. Thank you. Aise aise volume mein bolun to theek hai? Aise volume mein bolun to theek hai na? कहीं भी वॉल्यूम है, क्योंकि चिल्ला के तो नहीं बोल सकते मैं। हाँ ठीक है, स्टार्ट। हाँ, जगन्नाथ को मैं बहुत पुराना दिन से जानता हूँ और उसका पेंटिंग भी बहुत बहुत अच्छा है, और वो ब्रेक किया है पोर्ट्रेट को लेके, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट में काम किया है, जो एब्स्ट्रैक्ट में काम किया है वो बहुत अच्छा है, और उसमें बहुत मॉडर्निटी लेके आया, और जो कलर यूज़ करते हैं वो वाइब्रेंट कलर है, और बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग आए तो एग्जीबिशन में आए तो बहुत अच्छा लगा, और जितने सारे पेंटिंग है सब अलग 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 मूड में है, और लाइन भी है बैकग्राउंड में, जो पुराना टेक्सचर दिया है वो टेक्सचर का भी दिखाई देता है, तो सब मिला के बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, और मॉडर्न कंपाइन यदि कॉन्टेम्पोररी आर्ट है तो मुझे बहुत ही पसंद है, और सब लोग को पसंद होता है ये पेंटिंग। बहुत अच्छा फॉर्म भी है, तो ये फॉर्म के वजह से सब लोग का दिल में बैठ जाता है। अच्छा है शो, अच्छा चले। थैंक यू। जगन्नाथ पॉल्स वर्क, आई लव द थीम, आई लव इटर्नल लव इन रियलिटी एंड नाउ इट्स राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट एंड आई थिंक इज एक्सट्रीमली यूनिक इन his own perspective and imagination, and it's marvelous, you know.
the depth, the different flavors, the different layers in the artwork. By the way, we've had a long association, Jagannath Paul and basically Ashok Kumar Foundation, which my mother and Meenu used to run. Yeah, we were also members there, trustees. And it was set up in the name of Ashok Kumar, the actor who is her grandfather. So basically it promoted a lot of artists, homeopathic medicine, all those aspects. And I think one of the first artists that my mother and the trustees had this faith that he's going to be a great artist one day was Jagannath Paul. And it's been a give and take relationship. This relationship has also culminated in Jagannath giving his paintings for sale and charity, and we're very grateful to him. Yes. I think Meenu will say a lot more. You know, Jagannath came to Bombay in 2000, and he came to me first through his teacher in Calcutta. So I found that his work had a lot of quality, and he was a dedicated artist. So I took him under my wing and promoted him through my gallery, and which was Meenu Day Art Gallery, which then became Three Blind Mice Art Gallery. Jagannath worked very hard, like she's saying. He helped charities, and I think that's all come back to him now in double, you know. So he is one of the internationally well-known artists, but he started with one small painting which we sold for 3,000. And now today, you have to go into many lakhs to get his paintings, and he's become renowned. And it's such a pleasure to see that hard work pays, dedication, honesty pays. So we wish him the best, and as you can see, he's gone into large works and they are selling, and people are very happy to hang them in their offices, homes, and his work is forever. You can never get bored of it. And he keeps adding a new touch. Like this time, there's a lot of color. Besides being just black, white, and red, it's a lot of color and a lot of paintings inside painting. So, which is very attractive. So we wish him all the best, and I'm sure he's going to go a long way. Yes. Thank you. Jagannath, besides being a very dedicated and good artist, he's a very good human being, which is what I like about him, that he's never let his whatever, he's getting so much acclaim and all that go on to his head. He's always come and helped whoever he can. That's what I love most about Jagannath. His work is beautiful, as you can see. And he doesn't forget his roots. He never forgets where he started, you know, with us. He's always giving that respect. So we wish him the best, and may he be very, very famous. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. उसके ने बहुत अच्छा अरेंज किया और काफ़ी सारा गेस्ट आया, इवन आर्ट लवर, माई फ्रेंड्स, सब लोग आके सक्सेस हुआ। होपफुली रेस्ट ऑफ डे तक अच्छा ही जाएगा। अपकमिंग आर्टिस्ट के बारे में बोल रहे हो? अपकमिंग आर्टिस्ट के आर्टिस्ट तो सब लोग हैं, लेकिन उसका एम होना चाहिए, उसका क्रिएटिविटी जितना आएगा उसके साथ तो आगे जाएगा, ठीक है। और आर्टिस्ट देखो, आर्टिस्ट ऐसे नहीं बनते, ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो भी पेंटिंग करते हो आर्टिस्ट हो जाएगा ऐसे नहीं होता है, लेकिन उसके लिए और स्टेप बाय स्टेप उसको आगे जाना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल आर सपोर्टिंग एंड फॉर केम, थैंक यू वेरी मच। Congratulate him because I am here today and for his fabulous one-man show. And I think in charcoal medium, he is one of the best artists in India. And everybody like, I also like very much about his work. And also besides his work, I can say as a person, Jagannath, he's an extraordinary kind person, also kind-hearted person. So everything I think work together, and his color and way he put up his charcoal, black and white with color, it was a magnificent. And I wish him all the best. Thank you.